अलमैकम स्टूडेंट्स होप यू आर डूंग वेल एंड दिस टियल वी विल स्टार्ट विथ द न्यू प्रैक्टिकल और लास्ट प्रैक्टिकल के अंदर हमने जो है वो देखा था कि किस तरीके से हमने दो नंबर्स को ऐड किया सब किया मल्टीप्लाई किया एंड डिवाइड किया तो इस प्रैक्टिकल के अंदर जो है हमें एवरेज uh, लेना है एवरेज कैलकुलेट करना है टोटल कैलकुलेट करना है और उससे हमें फिर एवरेज पता चलेगा कि हमारा जो छः नंबर्स हैं उन छः नंबर्स का एवरेज क्या आएगा ठीक है सो इसके अंदर जो है हम स्टार्ट uh, करते हैं और इसके अलावा जो है आपको अगर किसी और प्रैक्टिकल में कोई इशू बन रहा हो तो मुझे बताइएगा एंड uh, फिर हम इसको uh, देख लेंगे ठीक है ओके तो स्टार्ट करते हैं हम वैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग वगैरह पहले से बना के रखी हुई है तो आप पहले से बनाना चाहें तो बना लीजिएगा हेडिंग मैंने आपको पहले भी बताया था हेडिंग लाजमी आपने बनानी है और हेडिंग इसलिए है क्योंकि पता चलता है कि भाई ये कौन से प्रैक्टिकल है ठीक है और दूसरी चीज़ यूजिंग नेम स्पेस एस ये भी आपने लाजमी लिखना होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि सी आउट कहाँ से आ रहा है क्योंकि कंपाइलर को नहीं पता होता कि यार ये सी आउट क्या चीज़ है और कंपाइलर को नहीं पता होता कि ये मेन क्या चीज़ है तो हमें हर चीज़ें डिफ़ाइन करनी पड़ती है ठीक है तो यहाँ तक अगर आपको आपको क्लियर है सारी चीज़ें तो हम आगे चलते हैं और छः नंबर्स का हम यहाँ पे एवरेज लेंगे ठीक तो है तो ऑब्वियसली याद रखिएगा जब छः नंबर्स की बात हो रही हो तो हमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाना पड़ता है जिसके अंदर वो छः की छः वैल्यूज सेव होंगी जाके ठीक है तो सेव यानी कि टोटल करने के लिए लाइक ला, उसको ऐड करने के लिए तो आपको ये चीज़ जहन में रखनी होगी तो मैं जो है वो सबसे पहले यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि एक इंटीजर सॉरी उसको केस सेंसिटिव है तो इसको स्मॉल में बनाते हैं हम तो इंटीजर के नाम से एक वेरिएबल बनेगा हमारा सॉरी इंटीजर uh, और कितने हैं हमारे पास यहाँ पे छः हैं तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले नम वन कॉमा नम टू कॉमा नम थ्री कॉमा अच्छा पूरा भी लिखना चाहता हूँ भाई पूरा लिख लेना आपकी मर्जी है तो ये इट्स अप टू यू और नम सिक्स ये छः मैंने जो है वो वेरिएबल्स यहाँ पे बना लिया अब इन छः वेरिएबल्स के अंदर ऑब्वियसली डेटा जाएगा और फिर वो कैलकुलेशन होगी कैलकुलेशन करने के बाद उनकी जो वैल्यू होगी वो कहीं ना कहीं जाके सेव भी तो होगी ना भाई तो वो वैल्यू को सेव करने के लिए आपने कोई ना कोई वेरिएबल चाहिए आपको तो उस वेरिएबल को हम बोलेंगे कि भाई टोटल का एक वेरिएबल बना लो ठीक है टी ओ टी एल पूरा लिख लें आप टोटल और फिर लास्ट में सेमी कॉलर ठीक है तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि मैंने जो है वो क्या किया है यहाँ पर वेरिएबल्स बनाए ठीक है अब इसको थोड़ा सा सेट करते हैं अच्छा अब यहाँ पर मुझे ज़ाहिर सी बात है इनपुट चाहिए ठीक है अच्छा अब एक चीज़ रह गई वो ये थी कि मुझे एवरेज भी तो चाहिए ना तो या तो आप दोनों को ही फ्लोट कर लें लाइक मैं कुछ इस तरह कर सकता हूँ इसको भी मैं फ्लोट ही बना देता हूँ फ्लोट बना दिया और फ्लोट के साथ लास्ट में इसके साथ सब कुछ फ्लोट में आ गया और यहाँ पे ए यूज़ कर ली ठीक है तो कोई मसले वाली बात नहीं है ठीक है कोई टेंशन वाली बात नहीं कि जैसे बुक में आपको यहाँ पे लिखा हुआ कि भाई इंटीजर के साथ इन्होंने छः बना दिए और उस तो टोटल भी बना दिया और फ्लोट जो है इन्होंने अलग से बनाया तो मर्जी है इसमें कोई मसला नहीं है सही है तो, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं और सबसे पहले हम जो है वो इनपुट लेंगे नम आ, नम वन के अंदर नम टू के अंदर ठीक है तो एक बना लेता हूँ उसके बाद फिर सबको कॉपी पेस्ट करेंगे ठीक है तो यहाँ तक हो गया अब यहाँ पे बोलूँगा कि भाई इंटर नंबर इंटर द वैल्यू वैल्यू ऑफ नम वन या नंबर वन कर लेना पूरा नंबर वन ठीक है नंबर वन की वैल्यू इंटर कर दो और बैक स्लैश एंड डाल दो ठीक है भाई यहाँ तक क्लियर है और इसके बाद सी आउट के साथ मुझे क्या चाहिए सिन चाहिए और सिन को मुझे इस तरह से रखना है और इस इधर जो है वो नम वन के अंदर इनपुट चाहिए तो नम वन लिखा मैंने वैसे बुक में जो है वो पूरा नंबर है वो मर्जी है यार आपकी आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप नंबर वन लिख लेना पूरा ठीक है भाई तो हम जो है वो कॉपी पेस्ट करना चाहेंगे ठीक है ना और राइट right, तो यहाँ तक हो गया और इसको आप चेंज करते हैं नंबर टू कर लेंगे और उसको भी करते हैं अभी टेंशन नहीं लें नंबर थ्री आ, नंबर फोर एंड नंबर सॉरी नंबर फाइव ठीक है बट वन मोर ओके तो ये हो गया नंबर सिक्स ठीक है अब सबको चेंज कर लेते हैं यहाँ से वन वन की जगह पे ये हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा टू ठीक है इधर हो जाएगा थ्री थ्री नंबर थ्री ठीक है अच्छा आप आप लोगों से ही किसी ने पूछा था कि सर ये आप रिवर्स में डिलीट कैसे कर रहे हैं यानी कि रिवर्स में ये बैक कैसे कर रहे हैं तो ये डिलीट का बटन है बैक स्पेस के ऊपर होता है बैक स्पेस के बटन के ऊपर होता है डिलीट का बटन तो डिलीट का बटन दबाएंगे तो वो रिवर्स में डिलीट करना शुरू कर देगा जो भी आपका लेटर लिखा होगा ठीक है तो मैंने कहा सोच मैंने सोचा कि आपको आ, याद कराने के लिए दे देता हूँ बता देता हूँ ठीक है अच्छा फाइफ या फिफ्थ कर लेते हैं इसको फिफ्थ सही है वैल्यू ऑफ नंबर फिफ्थ सिक्स ठीक है भाई तो छः नंबर्स का इनपुट इस तरह से हम ले लेंगे अपने वेरिएबल्स के अंदर अब इनपुट आ गया इनपुट आने के बाद ज़ाहिर सी बात है आपने इसको टोटल करना है अच्छा ये जो आपने देखा होगा बुक के अंदर ये लाइंस बनी हुई हैं और ये इस तरह से भाई ये सारे जो शशक हैं ये आप सब खुद करना ठीक है ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ये सारी चीज़ें करूँ ठीक है ना बाकी हेडिंग हेल्दी काफ़ी है ठीक है अच्छा जी तो अब मैं टोटल कर रहा हूँ टोटल करते हैं पहले इसको टोटल इजिक्वल टू और नम वन सही है प्लस नम टू प्लस नम थ्री प्लस नम फोर प्लस नम फाइव प्लस नम सिक्स ठीक है भाई तो ये इससे क्या होगा ये सारी सारी वैल्यूज़ प्लस हो जाएंगी और टोटल के अंदर जाके सेव हो जाएगी ठीक है अब टोटल के अंदर जाके जब सेव होगी तो मुझे इसका एवरेज निकालना है एवरेज निकलता है आपको पता है कि जो भी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं आपकी उसको प्लस करते हैं और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से उसको डिवाइड कर देते हैं ठीक है नंबर जितने भी नंबर हैं उसको प्लस करेंगे और डिवाइड बाई नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कर देंगे ठीक है तो सबसे पहले जो टोटल आया आपका उसको शो करा दो या बाद में भी करा सकते हो आपकी मर्जी है ठीक है इट्स अप टू यू तो ये हो गया इधर मैं लिखूँगा क्या लिखूँगा कि भाई द टोटल The total is टोटल पूरा इक्वल मर्जी है यार आप जो भी करना चाहो आपकी मर्जी है ठीक है तो कर लो जो करना कर लो इस्लामी ठीक है थीके? अच्छा जी तो यहाँ पे क्या आएगा इधर आ जाएगा भाई टोटल ओके और इधर लाइन पे जाने के लिए हम क्या करेंगे बैक एंड डाल देंगे एंड अब क्या करेंगे भाई अब लगेगा एवरेज का फॉर्मूला वैसे पहले भी लग सकता था आपकी मर्ज़ी है हमने अब लगा रहे हैं यू के अकॉर्डिंग टू बुक ठीक है तो अकॉर्डिंग टू बुक एवरेज का हमने जो वेरिएबल बनाया था ए वी जी इज इक्ल्स टू जो भी टोटल में आंसर है हमारा उस टोटल को आप डिवाइड कर दो किसके साथ किसके साथ भाई सिक्स के साथ क्योंकि हमने छः नंबर्स का एवरेज लिया तो छः के साथ हम डिवाइड करेंगे और एवरेज की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ठीक है अच्छा अब एवरेज की वैल्यू आ गई तो जाहिर सी बात है मुझे क्या करना है कॉपी पेस यार कॉपी पेस्ट किया करो खुश रहो कॉपी पेस्ट करो ठीक है ना तो कॉपी पेस्ट जरूरी है लाइफ में और uh, क्योंकि भाई टाइम बचाता है यार सीधी सी बात है तो द एवरेज एवरेज ऑफ पूरा लिख लेते हैं ऑफ सिक्स नंबर्स अब ये इज नहीं होगा यहाँ पे आर हो जाएगा थोड़ा सी इंग्लिश भी सीख लो भाई ठीक हो गया और आती है यार आप लोगों को मुझे पता है अच्छे बच्चे हो आप लोग ठीक है ना ओके तो एवरेज आ गया टोटल आ गया एंड uh, बस अब आंसर इन्जॉय करना है हमें तो आंसर एंजॉय करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा रन करना पड़ेगा उसको ठीक है ना ठीक है भाई अब नंबर्स इसके अंदर ऐड कर देते हैं हम जैसे ट्वेंटी फाइव और सिक्सटी थ्री फोर्टी फाइव एटी फाइव सिक्सटी फाइव और फोर्टी ठीक है भाई अच्छा जी तो टोटल आया है मेरा क्या आया मेरा टोटल uh, थ्री ट्वेंटी थ्री आया टोटल और उसने जब एवरेज निकाला इन सब नंबर्स का तो जाहिर सी बात है वो फिफ्टी थ्री पॉइंट एट सम अराउंड इस तरह से एवरेज बनाएगा मेरा ठीक है बाकी जो भी आप ये हेडिंग है और जो भी इसमें आपको कोई इशू हो कोई मसला हो तो देख लेना ठीक है ना आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा बाकी ये जो कोड है कोड भी जो है वो मैं साथ में इसी वीडियो के साथ में दे दूंगा और लिंक दे दूंगा लिंक पे जाके आपने जो है गूगल ड्राइव की लिंक डाल दूंगा ठीक है वहाँ पे जाके आप कर लेना और एक्सेस कर लेना अपने पास और उसके बाद फिर आ, इसको अपने पास अच्छा कोड आपने लेने के बाद ये नहीं करना कि उसी को कॉपी करके छाप रहे हो ठीक है ऐसे नहीं करना जो कोड है उसको पहले देखना कि भाई कोड में कोई गलती है कुछ मसला है अपने पास रन करके देखना और समझ आया है या नहीं आया वैसे इसमें समझ ना आने वाली कोई बात नहीं है अब इतना लेवल तो हो गया होगा आप लोगों तो का कि आप समझ जाओ लेकिन जो न्यू व्यूवर्स हैं जिनको नहीं पता कि किस तरह से होती है भाई प्रोग्रामिंग तो उनको बता दूँगा दोबारा मैं लेकिन आप लोग जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि भाई ये सारे चीज़ें कैसे होती हैं कि मैं सारी चीज़ें करवा चुका ठीक है इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए और इन फ्यूचर अगर आप करना चाहें तो क्योंकि देखो आ, रट्टा मार के छाप के पढ़ना आ, ये मेरा डोमेन नहीं है ठीक है ना अगर आपने रट्टा मारना छाप के पढ़ना तो मेरे पास नहीं आना पड़ेगा ठीक है भाई ये बात है तो चलो ठीक है और देख लेना बाकी कोई इसमें कोई इशू हो तो बता देना और मैसेज कर देना या फॉलो कर लेना एस्टापे भाई को फॉलो फॉलो भी कर देना or uh, uh, thanks for watching this video and uh, i will see you next time